छह साल के एक लड़के ने अपनी माँ की हत्या का बदला लेने के लिए 1000 जर्मन सैनिकों को मार डाला और आगे जाकर इस बच्चे ने जो किया दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हो। हेलो दोस्त, मूवी ब्रेक हिंदी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको 2019 की एक वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे युवा योद्धा की कहानी दिखाऊंगा जिसका नाम सोल्जर बॉय है। स्पॉयलर्स अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है जहाँ तीन लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठा है और अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलोशकोव अपने बड़े भाई और माँ से दावा करता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरता नहीं है और गुलेल से जेट पर हमला करता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह जेट विमानों को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब हो जाता है। सर्गेई सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह समझकर कि यह उसकी माँ है, वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराकर वहां आ जाती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और वह घर में रहकर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास पहुंचते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अकेला है, उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है वह देखता है कि उसका पूरा पड़ोस उसके पीछे चल रहा है। वह व्यर्थ ही अपनी माँ को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारने लगता है कि आओ और उसे ले आओ, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं जब दुश्मन सैनिक उसके पास आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब कोई सांप पास में आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भाग नहीं जाता। सर्गेई को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेता है और रात भर खाता रहता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के पैदल चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और उसे अपने पीछे आ रहे किसी व्यक्ति का आभास होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा रहता है और सामने वाले को बताता है कि उसके पास राइफल है और वह डरता नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना अड्डे पर आता है जहाँ कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उनके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं और सुझाव देते हैं कि वह भी अपना परिचय दे। सैनिकों को स्नेह महसूस होता है। छोटा बच्चा और उसके चारों ओर घेरा बनाओ। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि अन्यथा ठंडा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों की मरहम पट्टी करती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात कर हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से रोमांचित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी मानक पिस्तौल के साथ खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा, लेकिन वह इससे सहमत नहीं हुआ और दावा किया कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिकों ने अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताया। दिन भर में कई लोग उनसे मिलने आते हैं। वे उसके लिए दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया भोजन लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों का बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया है और वे उसे अपना मानते हैं। उनकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का भार हटा देती है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मनों ने हमला किया और कई सैनिक घायल हो गए। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर सुनाता है
और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानव पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है और दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। सेनापति उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश कर रहे थे। वे सर्गेई को अपने साथ रखने के लिए बहुत उत्साहित थे। कमांडर ने सर्गेई को जगाया और उसे कपड़े दिए। वह उन्हें पहनता है और चारों ओर दौड़ता है। एक असली सैनिक की तरह दिखता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। सिपाही झट से ले लेते हैं सर्गेई सुरक्षित स्थान पर जाएं और दूसरों से लड़े। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई अपने आप को उपयोगी बनाना चाहता है, इसीलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें बनाना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर वापस सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो बाकी लोग उसे कहानी जारी रखने और हंसने के लिए कहते हैं। वह बाकी सभी के पत्र भी उसी अंदाज में पढ़ता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। निम्नलिखित दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में व्यवस्थित स्थिति में है और शुरू हो जाता है एक के रूप में अपना परिचय देना। हालांकि लड़का तब देखता है कि हमले से सैनिक का एक स्टेशन नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का काम दिया जाता है। वह अपना काम कुशलता से पूरा करता है और सिपाहियों को भी अपने लिए नचाता है। अगले दिन सर्गेई अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जैसे ही वह इसके साथ खेल रहा था, उसने देखा कि घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिल रहा है। वह वापस उसकी ओर दौड़ता है, बटालियन और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिक संशय में है लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाए। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचे तो नीचे छिपे दो जर्मन जासूसों को देखकर वे सतर्क हो गए। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता हैं। सर्गेई को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उसे उसके सामने कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों ने उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखा और गलत तरीके से मान लिया कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। जर्मनों द्वारा बेस पर फिर से हमला किया गया। इस बार सर्गेई अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहां मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और यह काम स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा हर किसी की जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंततः उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या चांद पर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना हो गए। हालांकि रास्ते में उन्हें एक बारूदी सुरंग मिलती है जिसमें उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह का अर्दली जो सर्गेई का करीबी था विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंततः दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित है और इतने स्मार्ट बच्चे के लिए कमांडर को बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे अपना बैच देता है तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके अड्डे पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंततः कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ घायल हो गए। बच्चा अब टीम का एक अभिन्न अंग है। उनके पास कोई परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वहीं चले जाते हैं। फिल्म तब समाप्त होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए देखा जाता है।
पृष्ठभूमि में एक आवाज बता रही है कि उन्होंने स्टेलिंग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंच गए। उन्हें वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैल गई है।